गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज लेटिट्यूड ऑफ लेसन नंबर 2 इन ज्योग्राफी एंड द लेसन नेम इज ग्लोब लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इन माय प्रीवियस लेक्चर, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड के बारे में। एक बार उसे रिकॉल कर लेते हैं, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड और व्हाट इज लेटिट्यूड कुछ बताया था मैंने, एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। ये क्या है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड मीन्स ये पोजिशन, ये आपको याद रहेगा ना, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसे याद करने की सिंपल सी यही है लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड। लेटिट्यूड मीन्स लेटी हुई पोजिशन और लॉन्गिट्यूड हमें ये पता ही है। बच्चों में बार बार ये बता रही हूँ क्योंकि ये हमारे डेली ज्योग्राफी में यूज होने वाले डेली वर्ड्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। तो दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड। लेटिट्यूड के बारे में हम बहुत कुछ स्टडी कर चुके थे, थोड़ा सा उसी को आगे एक्सप्लेन करती हूँ। लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड जो है, मैंने मिड पोर्शन बताया था, 0 डिग्री पर, इसे डिग्री में मेजर करते हैं। और 0 डिग्री मीन्स इक्वेटर। इक्वेटर क्या थी हमारी, दोबारा रिकॉल करती हूँ, इक्वेटर वह लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ये बनी हुई नहीं है अर्थ पर। दोबारा बोलना चाहूंगी, ये जितना भी हम स्टडी कर रहे हैं अर्थ पर कहीं पर भी बना हुआ नहीं है, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है। तो इक्वेटर वो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करती है, नॉर्थ पोल वाला पोर्शन और साउथ पोल वाला पोर्शन। इक्वेटर को हम 0 डिग्री से इंडिकेट करते हैं, क्लियर। नॉर्थ पोल वाला जितना भी पोर्शन रहेगा उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और ये सदर्न हेमिस्फीयर आता है जो साउथ पोल से, इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ रहता है। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड। लेटिट्यूड पूरी अर्थ पर 90 डिग्री तक है, मैंने आपको बताया था, नॉर्थ में भी 90 एंड साउथ में भी 90। बट सम लेटिट्यूड आर वेरी स्पेशल। फर्स्ट इज 23.5 डिग्री, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं इसे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री पर इस तरह का हमारे पास एक लेटिट्यूड है, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है और जब साउथ में जाते हैं इक्वेटर से, हम साउथ की तरफ डायरेक्शन, साउथ पोल के डायरेक्शन पे जब हम जाएंगे तो 23.5 डिग्री पर ही इसी को हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्लियर। यहाँ पर 23.5 पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर की उसके बाद से नॉर्थ में जाने पर 23.5 पर हमें मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड साउथ पर जाने पर हमें मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्लियर। देन अगेन 66.5 डिग्री पर जब हम जाएंगे नॉर्थ पर, नॉर्थ पोल की साइड, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की साइड पर 66.5 डिग्री जाने पर आर्कटिक सर्कल मिलेगा। इसे हमने डिवाइड, इसे नाम दिया है आर्कटिक सर्कल। और वही सेम डायरेक्शन में, सेम डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में 66.5 पर जाने पर अंटार्कटिक सर्कल बनता है। क्या बनता है, अंटार्कटिक सर्कल, क्लियर स्टूडेंट। दोबारा रिकॉल करती हूँ, मिड में 0 डिग्री पर इक्वेटर, 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ये नॉर्थ में है, साउथ में 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, क्लियर। जब हम इक्वेटर से नॉर्थ डायरेक्शन में चलेंगे देन 66.5 डिग्री पर आर्कटिक सर्कल रहेगा एंड 66.5 डिग्री साउथ पर जाने पर हमारे पास अंटार्कटिक सर्कल रहेगा। ये 5 मेन लेटिट्यूड्स हैं जो कि आप सबको अच्छे से याद करनी है। मैं यहाँ बता रही हूँ, ये डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है, उसे आप अच्छे से एक बार स्टडी करिएगा और ये एज ए होमवर्क आपको बनाना भी है। अपनी आपकी जो भी कॉपी है उसमें एज ए होमवर्क आपको ये पूरा डायग्राम ड्रॉ भी करना है। मैंने 5 लेटिट्यूड बताई, आई थिंक क्लियर हो गई होगी 5 लेटिट्यूड। अब इससे बने हुए जोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इक्वेटर से जो हमारा ये जोन बना है 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ में, ये पूरा मिलकर जो जोन बनाता है उसे हम टरेट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टरेट जोन, जो 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ से मिलकर बना हुआ है। इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जाने पर जो जोन होता है उसे हम
टॉरिड जोन कहते हैं। अब पहले नॉर्थ पे चलते हैं। नॉर्थ में 23rd एंड हाफ डिग्री के बीच वाले जो जोन है उसे हम नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन हमें याद रखना है, नॉर्थ साइड पर है तो उसे नॉर्थ लगाएंगे, साउथ साइड में है तो उसे साउथ लगाएंगे। क्लियर? तो 23rd एंड हाफ से 66 एंड हाफ डिग्री के बीच की जोन को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। नॉर्थ में है तो नॉर्थ टेम्परेट जोन कहलाएगा। क्लियर? एंड 66 से हमारा पोल तक का जो जोन है उसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन। सेम यही स्ट्रक्चर हम नीचे भी करेंगे। इक्वेटर से डाउन साइड पर 23rd एंड हाफ से 66 एंड हाफ डिग्री जो हमारा रहेगा साउथ में उसे हम साउथ टेम्परेट जोन कहेंगे। ये वाला जो जोन कहलाएगा साउथ टेम्परेट जोन कहलाएगा। एंड 66 से पोल तक का जितना भी जोन है उसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। अब ये सारा हमने स्टडी क्यों किया है? मैंने आपको अभी 5 मेन लेटिट्यूड बताई है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। क्लियर? एंड जो बताया जो इससे रिलेटेड है टॉरिड जोन जो कि कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का है, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। हमने इतना सारा स्टडी किया है, इसका कोई मीनिंग है या मैम ने ऐसे स्टडी करवाया है? इसका कुछ मीनिंग है क्योंकि इसके कारण हमारी अर्थ की स्ट्रक्चर को और वहां की क्लाइमेट को समझने में काफी हमें हेल्प मिलती है। हम करके देखते हैं। अब इसका कुछ एक्सपेरिमेंट है जो कि आप घर पर भी कर सकते हो। यहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि हो सकता है कि आपको उसको समझ में आए, क्योंकि हमारी अर्थ का शेप मैंने बताया था आपको। कैसा है अर्थ का शेप? कल बताया था मैंने आपको कैसा है। हाँ, ग्लोब में दिखाई दे रहा है, इस ग्लोब में दिखाई दे रहा है वैसा है। कैसा है? बट मिडिल सेक्शन में से उभरा हुआ है एंड दोनों पोल की साइड पर क्या है? हल्की सी फ्लैट है, बताया था मैंने। देन अर्थ मूव करती है, पता है ना आपको अर्थ मूव करती है ऐसे। अब देखिए हम बात करते हैं इन सब जोन के डिस्कस करने की और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये हमारा सन है। क्लियर? सपोज ये हमारा सन है, ये टॉर्च है मुझे भी पता है, बट सपोज ये हमारा सन है ना। देन अर्थ पर उसकी लाइट किस तरह से रहेगी? सन यहाँ एक ही जगह रहता है, अर्थ जरूर मूव करती है। ये अर्थ मूव कर रही है सन की चारों ओर। हो सकता है आपको देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। ये सन है, देन इसकी लाइट सबसे ज्यादा कहाँ आ रही है? देखिए ये इक्वेटर वाली लाइन है, सबसे उभरी हुई सतह पर सबसे ज्यादा लाइट आ रही है। इसके बाद थोड़ी सी लाइट ऊपर आ रही है टेम्परेट जोन पर, बट पोल के यहाँ पर लाइट आ पा रही है क्या? नहीं है ना। सेम यही है कि इक्वेटर पे लाइट है, इक्वेटर से हल्की सी स्लंटिंग लाइट कहाँ आ रही है? टेम्परेट जोन की तरफ आ रही है, 66 तक आ रही है। बट उससे आगे अगर मैं पोल की बात करूंगी, साउथ पोल पर लाइट आ रही है क्या? नहीं आ रही है। इससे क्या समझ में आया हमें? मैंने क्यों एक्सपेरिमेंट किया? हम सनलाइट के थ्रू वहां के टेम्परेचर के बारे में बात करना चाहेंगे। ये समझ में आया आपको? इसको बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या समझाना चाहती हूँ, ये लाइट है यहां पर आ रही है, कहां पर आ रही है? इक्वेटर पर। इक्वेटर पर सन की लाइट सबसे ज्यादा है। सन की लाइट ज्यादा है मीन्स यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा? यहाँ हीट ज्यादा मिल रही है तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा क्या? यहाँ पर बर्फ होगी? नहीं होगी ना। हीट ज्यादा है मीन्स सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होगी पूरी अर्थ पर? इस वाले जोन में, टेरेट जोन में। टेरेट जोन जो है हमारा सबसे ज्यादा सन की हीट लेता है, मीन्स ये सबसे ज्यादा गर्म वाला जोन है। क्लियर? देन नेक्स्ट यहाँ पर लाइट आ रही है, तो यहाँ पर क्या लाइट आ रही है? हल्की सी लाइट आ रही है, ऐसा नहीं आ रही, लेकिन जितनी तेज यहाँ है उससे कम आ रही है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो ये हमारा टेम्परेट जोन है टेरेट जोन के कंपेरेटिव ठंडा होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ सन की लाइट कैसी आ रही है? स्लंटिंग आ रही है, पूरी नहीं आ रही है, हीट पूरी नहीं मिल रही है सन की, तो टेरेट जोन क्या होगा? कंपेरेटिव ठंडा होगा, है ना। बट अब मैं फ्रिजिड जोन पर जाती हूँ, क्या सन की लाइट वहां पहुंच पा रही है? मैंने आपको अर्थ पे ग्लोब पे बताया था सन की लाइट तो वहां बिल्कुल ही नहीं आ रही है, तो क्या होगा वहां पर? ऑलमोस्ट क्या होता है, सनलाइट नहीं होने के कारण आइस से कवर्ड रहता है वो पूरा एरिया। किससे रहता है? आइस से कवर्ड रहता है। सनराइज ऑलमोस्ट होता है तो कैसा होता है? जैसा हमारा सनराइज या सनसेट के टाइम पर हम सनराइज वो देखते हैं सन को,
वैसा यहाँ पर सनराइज और पूरे टाइम सन इसी तरह से दिखाई देता है, इससे ज्यादा सन की लाइट वहां आती ही नहीं है। तो तीनों जोन पर इस तरह से अर्थ के जो तीनों जोन है उस पर हीट का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाने के लिए हमने ये सब डिवाइड किया है कि हमें समझ में आए कि कौन सा जोन कितना गर्म है, कौन सा जोन उससे कंपेरेटिव ठंडा है और सबसे ठंडा क्यों है। क्लियर स्टूडेंट, मैंने क्या बताया है आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड 23 1/2 डिग्री साउथ की तरफ जाने पर जो जोन बनता है उसे टेरेट जोन कहते हैं। टेरेट जोन पर सन की लाइट बहुत ज्यादा आती है, दिन में कम से कम वर्ष में एक बार ऐसा रहता है सन हमारे सिर के ऊपर से निकलता है, मतलब सन की हीट सबसे ज्यादा इसी जोन को मिलती है, इसके कारण ये वाला जोन गर्म होता है। इसके बाद 23 1/2 से 66 1/2 तक ये वाला जो जोन होता है इसे टेम्परेट जोन कहते हैं। नॉर्थ में नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ में साउथ टेम्परेट जोन, यहाँ पर सन की लाइट टेरेट जोन के कंपेरेटिव कम आती है, तो इसके कारण ये क्या होगा हमारा थोड़ा उससे ठंडा होगा। क्लियर है कि थोड़ा कोल्ड एनवायरमेंट रहेगा यहाँ पर। और फ्रीजिड जोन पर सन की लाइट ऑलमोस्ट नहीं आती है या फिर बहुत मिनिमाइज होती है, देन यहाँ पर आइस से ये एरिया कवर रहता है। तो तीनों जोन आपको समझ में आए। क्लियर स्टूडेंट, अभी आज के टॉपिक में आपको क्या काम करना है, कुछ एक्टिविटी दें, इसी जो मैंने आपको समझाया है थोड़ा सा आप घर पर करिएगा। क्या करना है, मैं एक कोई सी भी बुक ले लीजिएगा या जो भी आपके पास अवेलेबल है, कोई ब्लैक शीट मिल जाए पेपर की तो वो लीजिएगा, एक टॉर्च आपके पास घर पर अवेलेबल ही है, देन हमें क्या करना है ये सब चीजें करके देखनी है। डायग्राम बनाना है ऐसा कैसा, ठीक है, डायग्राम बना के टॉर्च से उस पर लाइट डालना, लाइट डालकर आप खुद इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, खुद समझने की कोशिश करना ये लाइट सीधी कहाँ जा रही है, इक्वेटर पर जा रही है क्या, ऊपर जाने पर ये लाइट सीधी हो रही है क्या, यहाँ से नहीं हो रही है, आप बोलेंगे ऐसे फैली हुई जा रही है, मीन्स वो कैसा होगा, वो एरिया कैसा होगा, ठंडा होगा, वो जहां यहाँ सीधी लाइट हो रही है वो एरिया कैसा होगा, गर्म होगा। क्लियर, तो ये आपको घर पे ये डायग्राम तो आपको बुक कॉपी में बनाना ही है, साथ में ये एक्सपेरिमेंट एक ब्लैक शीट लेना और उस पर टॉर्च से लाइट डाल के देखना कि क्या आपकी, मैंने जो बोला है कि सीधी जाती है लाइट, स्लंटिंग जाती है और डाउन साइड नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसा होता भी है या मैडम गलत बता रही है, हो सकता है मैं गलत बता रही हूँ, हो सकता है ना, तो आप ये करके देखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मैंने सही बोला था। ये करके देखने से आपको हेल्प मिलेगी कि आपको ये जितना मैंने पढ़ाया है वो सारा समझ में आएगा, थोड़ा सा ये पोर्शन आपके याद करने लायक है और हमेशा काम में आने वाला है, इसलिए मैंने जितना भी आज पोर्शन पढ़ाया है स्टूडेंट्स आपको उसे बुक में से दोबारा रीड करना है, ये डायग्राम बनाना है और बना के इसे समझने की भी कोशिश करना है। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर में हम इससे आगे की स्टडी करेंगे। गुड बाय।